गुड मॉर्निंग यस हमने सेव्स एंड क्या खुबानी हमने रात को भुला दी एक ड्रोना ख्वाब समझ के दिन की नई शुरुआत गिलगित बल्तिस्तान की नागा पर्वत राका पोशी जिसको मैं कल से नागा पोशी बोल रही राका पोशी में सुबह खूबसूरत पहाड़ सेब के दरख्त और खुबानी के साथ आए हम आपको इसका मजीद अहवाल बताते हैं लाइव फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान For a getaway car top down and we're driving just to feel young moving away to the sea moving away can't you see sunday todne ke liye khubaniyan subah subah aap sab aawaz aa rahi thi shopper lo shopper aise hare se wahan se उल्लू काट जैसे कुर्बानी यहाँ से मीठी अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब वालेकुम सलाम आपका चेहरा नहीं दिख रहा जरा पे बहुत ही ऊपर चले गए आगे ज़ूम कर लो नहीं आपको लग रहा था कि ये वो है खुबानी है लेकिन ये तो सेब है और तुम्हारे नाश्ते के लिए सेब मैं तुम्हें तोड़ के देती हूँ छाला ये लो तुम मेरी याद रखोगी ऐसे मैं लपक के सेब ले लिया तुम्हारे लिए ये लो ब्रेकफास्ट करो राका पोशी तो आप यहाँ जरूर आइएगा अब हमने हुंजा के लिए निकलना है नाश्ते का ऑर्डर देना है नाश्ते में हम खाएंगे 1 किलो सेब 1 किलो खुमानी खुद अपने हाथों से तोड़ के ये चीज़ गिलगित बल्तिस्तान ये फायदा हो गया हमें इसका तीनों आ रहे नाश्ते का टाइम चल रहा है इन लोगों ने कर लिया बाकी लोगों ने हमारे लिए बाकी आज छोड़ दी थी हमने फ्रेश मंगवाया तुम दिखाओ हम नाश्ता क्या करें व्यू दिखाओ ना ऐसे खुले हुए मजेदार किस्म का पीछे ऊपर आउटडोर ये सेब लगे हुए हैं भाई और पहाड़ और गर्मी सर्दी में एक अजीब होम्योपैथिक मौसम ना कुछ कह रहा है लेकिन कह रहा है होम्योपैथिक इसलिए कि कुछ कह नहीं रहा लेकिन कह रहा है लेकिन कह भी रहा है अजीब मतलब कभी सर्दी कभी गर्मी कभी सर्दी कभी गर्मी लेकिन अभी वहाँ नाश्ता आ जाएगा नाश्ता करेंगे फिर निकलेंगे फाइनली आज डे 3 है और आज हम हुंजा के लिए निकल रहे हैं हुंजा की सारी जितनी भी हुंजा सारा विलेज अल्टी फॉल सारे लगे ऐसे नहीं होगा ओके अब हम लोग निकल रहे हैं बेड एंड ब्रेड होटल से जहाँ हमने रात को स्टे किया था वहाँ पे एक लड़का है कुमेल वो बहुत अच्छा है उसके बिल्कुल उसी के उसमें रिजॉर्ट में दरख्त लगे हुए सेब के चेरी के इंजीर के शहतूत के और ये हमारे सामान लड़के ऊपर चढ़े हुए थे लड़कों ने चीखों पुकार करके हम पागल के अब हम निकल रहे क्योंकि बहुत देर हो गई है हमने आज फ्रॉक्स और है ना ज्वेलरी ये देख रहे हैं अब फुल एंड फुल सब लोग शलवार कमीज़ क्योंकि हमने अल्तित बल्तित फोर्ट देखने जाना है हुंजा की तरफ निकल रहे हैं गुड लक टू अस फाइनली Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah. In the Caribbean, yeah. Dance, smoke, fire it up, light our lanterns, paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. ये कैसे लग रहे हैं हम लोग थोड़े थोड़े काले लग रहे हैं काले लग रहे हैं आ जाए हम अल्तित फोर्ट जा रहे हैं अभी ना हम अल्तित फोर्ट जा रहे हैं और यहाँ पे जो घर है ना वो पत्थर पहाड़ी पत्थरों से बनते हैं बच्चे ना ऐसे ये क्या चीज है तालाब है तालाब में बच्चे खेल रहे हैं फुल सीन ऐसे माहौल बनाया हुआ ना बच्चों ने माशाल्लाह से मजेदार सा दिखाती हूँ मैं दोनों को अल्लाह car down then with car drop on the bang bang then with bang bang then my
the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? अल्तित फोर्ट देखने के बाद, उस एरिया का नाम भी अल्तित था, अब हम बल्तित आ गए हैं और यहाँ पे हमने फोर्ट जाना है, फोर्ट देखना है, क्योंकि हुंजा का कल्चर बहुत रिच है और इनके पास दिखाने के लिए बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है. मुझे लगता है जो घर जैसे इनके बने हुए छोटे छोटे कंपोज, एक कम्युनिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो है, तो इसलिए बहुत खूबसूरत है. तो अभी हम चलेंगे बल्तित फोर्ट में, तब तक आप ज़रा नज़ारे चेक करें. Just to feel young, moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. लेकिन मैंने कहा बता दूँ, इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए. हुंजा में मोस्टली दुकानें औरतें चलाती हैं, तो मतलब यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है और कम से कम आपको हरासमेंट का डर नहीं है. तो ये नेशन हमसे बहुत आगे है. मैंने कैसे बता दूँ ऐसे फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन. अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से मैंने एक बल्तित फोर्ट फतह कर लिया. इतनी हाइकिंग करके, ऐसे सीधी थी हाइकिंग करके मैं आ गई. आप यहाँ आए तो ऊपर जरूर आइएगा, क्योंकि ये व्यू वर्थ इट है. ऊपर आना इज लाइक पैसे पूरे हो जाते हैं भाई, पसीना पूरा हो जाता है. तो अब हम फोर्ट आ गए. अब मैं इस फोर्ट का चप्पा चप्पा आपको दिखाऊंगी. इधर एंट्री टिकट 500 रुपीज़ है, अल्तित फोर्ट में 500 रुपीज़ नहीं, यहाँ भी 500 रुपीज़ है. इसकी हिस्ट्री पता करते हैं, देखते हैं, व्यू एंजॉय करते हैं, उसके बाद वॉलनट केक भी खाना है ना लाइफ. अच्छा, यहाँ से हम लेंगे टिकट्स और वो है बल्तित फोर्ट कैफ़े. तो किसी ने कुछ खाना हो तो टिकट 500 रुपीज़ की. मैं, हेलो, रुकैया और समरा, हम जा रहे हैं अंदर. छोटे जो दरवाजे बनाते थे ना, अभी पता चला है कि साइंस ये है कि एक तो दुश्मन जो है ना ग्रुप की सूरत में हमला ना कर सके, फोर्ट के अंदर ना आ सके, और सेकेंडली एहतरामन भी आपको झुक के आना चाहिए. तो ये दो मकसद थे. और ये जो रूम है ना, ये बल्तित फोर्ट की पार्लियामेंट है. यहाँ पे ये लोग सारी खुफिया मीटिंग्स किया करते थे, और इन केस अगर कोई दुश्मन को पता चल जाए तो वो सामने चोर दरवाज़ा है, वहाँ से निकल के पता नहीं किधर जाते थे. हाँ, फ्लैश करो समरा, थैंक यू. ओहो, कोई बात नहीं. अच्छा, उसके अलावा ये जो है ना, ये तंदूर नहीं है, ये इनकी कोई तिजोरी है. इसके नीचे सारा जेवर और जो भी इनका माल गनीमत, ये बर्तन रखने की जगह, यहीं से खा पी लिया यहीं से. अच्छा, इवान मजलिस शूरा, ओह वाह, सेक्रेसी प्लानिंग हॉल. ये कहाँ जाती है कुछ, मैं तो डर लग रहा हूँ. बहुत अंदर है, लेकिन वो अंदर जाने नहीं थे तेरे, बहुत डीप है. अच्छा, यहाँ से खुफिया निकल के पता नहीं कहाँ जाते होंगे वो लोग. और ये कारपेट 150 साल पुराना है, ये बुखारा से आया था. इसका नाम कुछ बताया था उसने? नहीं. अच्छा, ये 150 साल पुराना कारपेट है, बड़ा सफाई रखी हुई है. ओके, तो ये था पहला रूम.
अब हम देखते हैं दूसरा रूम कौन सा है। कल्चर बहुत रिच है भाई, इनकी स्टोरी बड़ी मज़े की है। ओके ये जो है रिसेप्शन है महल की, और ये जो है ये यहाँ पे ना खाना स्टोर होता था। ये इनके ना खुफिया किस्म की सुरंगें हैं, और ये भी वो सुरंग है। और मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि उस टाइम नापने के लिए कोई पैमाना नहीं था, तो वो बर्तन यूज़ होते थे सामने वाले, और ये इनका प्रेशर कुकर था। वेरी नाइस। और ये इस किले का प्रिजन रूम है, यहाँ पे सारे जो बादशाह से बगावत करते थे उनको यहाँ रखते थे, कैद करते थे। रूम नंबर 3 शाही बावर्ची खाना, और वो जो बकरी खाला है वो हवा देने के लिए यूज़ होती थी। वो 3 जो हैं वो ग्राइंडर हैं, ये जो लंबा सा लकड़ी का इसमें लस्सी बनती थी, और ये पत्थर यूज़ होते, पत्थर के बर्तन पहले यूज़ होते थे, वो तवा था। 1990 के बाद शायद इनके पास ये मेटल आया चाइना और कश्मीर से, उसके बाद मेटल यूज़ हुआ है। इनका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का है कि रात को लोग दिया लगाते थे, और दिन में इनका सारे घर अभी भी इस तरह, मतलब इनकी इस तरह ये आर्किटेक्चर इस तरह का है कि ऊपर से रोशनी आती है और देखिए पूरा कमरा रोशन हो जाता है। और ये लकड़ी के स्पूंस, और वेरी रिच कल्चर। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये देखें, ये इनका पहले देसी फ्रिज हुआ करता था, क्योंकि इसके पीछे ग्लेशियर हुआ करता था, और ग्लेशियर की वजह से ठंडा रहती थी जगह। अब ग्लेशियर पिघल गया है तो ठंडक भी ख़त्म हो गई है, पर स्टिल थोड़ा ठंडा है। तो ये था उनका फ्रिज, दैट्स सो कूल। अब नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। अब छत पे जाने के टाइम हो गया है, छत, किले की छत पे आ गए हम लोग। आह व्यू, लोग, पहाड़, मुझे तो लगता है वो बादशाह का तख्त होगा। करते थे एजस्मार कोड होता था, लोगों के मसाइल सुनना, लोगों के मसाइल हल करना यहाँ पे होता था। वो बादशाह का तख्त है, वहाँ पर बादशाह बैठता था, बाकी उनके जो दरबारी होते थे वो छत पे बैठते थे। 1945 तक ये किला एक्टिव रहा, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर न्यू पैलेस चले गए। ये बल्तित फोर्ट की छत है, यहाँ पे बादशाह बैठ के सारे फैसले किया करता था, किसको कितनी सज़ा मिलनी है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, पूरा जिरगा यहाँ लगा करता था। तख्त वो है, और उनका गार्ड रूम ये है, इसके अंदर गार्ड्स बैठे होते थे और देखते थे कहाँ से दुश्मन आ रहा है, तो फ़ौरन इत्तला के लिए सीढ़ियों से नीचे। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, और हर चीज़ बहुत कंपोज है, किला बहुत कंपोज है। जैसे हमारे, हमने जितने किले मुगल किले हमें देखे सब बहुत बड़े हैं ना, ये बहुत कंपोज, हर चीज़ है लेकिन छोटी कंपोज, दैट्स गुड, स्मार्ट स्ट्रेटजी। और बाय द वे यहाँ पे क्राइम रेट उस टाइम भी 0 था, आज भी क्राइम रेट 0 है। ये रूम नंबर 4 है, और ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे सारे गेस्ट को बिठाया जाता था, और बादशाह यहाँ पे उनसे मिलने खुद आता था। और ये लाइट का सोर्स है। अब मैं इनकी बादशाहों की हिस्ट्री आपको बताती हूँ। मीर गज़न खान 1, इनका 1000 साल बाप से नस्ल चली, बेटे ने हुकूमत की, उसके बेटे ने हुकूमत की, उसके बेटे ने हुकूमत की, उसके बाद उसके बेटे ने हुकूमत की, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने सारी स्टेट्स ख़त्म कर दी। ये कौन है? मीर मोहम्मद जमाल खान पे मेरे नाम था। ओह माय गॉड, सेम हो गए हम लोग तो, ट्विनिंग। तो इनके दौर में सारी स्टेट्स ख़त्म कर दी गई और गवर्नमेंट ने सारा कुछ अपने अंडर ले लिया। अब ये मीर है, मीर गजफ़र अली ख़ान, ये पैलेस में रहता है, लेकिन इसका इस स्टेट पे कोई काम नहीं है, ये पॉलिटिक्स में है फिलहाल। और ये इनकी वाइफ हैं जो लाहौर से हैं, जैसे कि मैं भी लाहौर से हूँ, रानी अफुंजा नाइस, ये भी पैलेस में रहती है पॉलिटिक्स में, और ये उनका बेटा भी पॉलिटिक्स में है। ये हुंजा वालों का ट्रेडिशनल ड्रेस है शादी ब्याह पे पहनने के लिए, और अभी भी कोई फेस्टिवल हो तो ये यही ड्रेस पहनते हैं। ये डिफेंस के लिए ये लोग अपने हथियार इस्तेमाल करते थे, ये जंग नहीं करते थे लेकिन डिफेंस के लिए इनके पास चीज़ें होती थी। ये आगा खान की हिस्ट्री है, सर आगा खान की, लेकिन क्योंकि मुझे इतनी रिलीजियस हिस्ट्री याद नहीं रहती, मुझे इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी याद है कि शाह सुल्तान मोहम्मद शाह कायद अजम के साथ थे पाकिस्तान आज़ाद कराने में, और उन्होंने कायद अजम को बहुत सपोर्ट किया था पाकिस्तान आज़ाद कराने में। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और ये रूम बहुत प्यारा है, वेरी इंफॉर्मेटिव प्लेस। ये महल की बालकनी है, यहाँ से बादशाह जी पोलो देखा करते थे, पता नहीं पोलो कहाँ होता होगा लेकिन मज़ा बड़ा आता होगा। उसके अलावा ये हुंजा का पहला टेलीफोन है जो 1980 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अलावा ये उनके प्रिंस की हिस्ट्री। ये लेडी हैं रानी मीर मोहम्मद जमाल खान, ये नरतर वैली की हैं, हुंजा और नरतर वैली की बहुत लड़ाइयाँ होती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ शादी कर ली ताकि लड़ाई तो ख़त्म हो ना। बॉस नाइस। महल का विंटर रूम है, यहाँ पे सेंटर में खाना बनता था, सब लोग इकट्ठे बैठ के यहाँ पे खाते थे।
जैसे कि मेरे घर में अभी भी होता है। ये बच्चों का झूला है जो अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे ही बनता है। ड्राई फ्रूट की जगह बर्तन, कुरान के नुस्खे उस टाइम के 1980 के, यहाँ इन बर्तनों में सब इकट्ठे खाना खाते थे और नीचे जो कैबिनेट नजर आ रही है यहाँ पे स्टोर किया करते थे। और लाइट के लिए बस अब हम रूम नंबर नेक्स्ट में जाने वाले हैं। ये नेक्स्ट रूम में हम एंटर होने वाले हैं। यहाँ पर अंदरूनी दरबार करते थे मौसम के मुनासिबत से, शदीद गर्मी या शदीद बारिश की सूरत में। और ये म्यूजिकल हॉल के तौर पर भी यूज़ करते थे, शादी ब्याह और दूसरे ओकेजन पर उन्हें म्यूजिक यहाँ पर बजाते थे। ये रेशम गंज उस ज़माने में हंटिंग और डिफेंस के लिए गंज इस्तेमाल करते थे। सामने एक कारपेट, इसका नाम पुतन कारपेट, 200 साल पुराना है। ये चाइना से लिखित था केमर के मूल से बना हुआ है जी, ओरिजिनल है। ये चाइनीज करेंसी 1920 में फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी चाइना से लेकर आए थे और 1920 तक 3 साल ये करेंसी यूज़ किया हुआ है। ये आउटडोर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह और दूसरे ओकेजन पर बजाया जाता है। तो यहाँ पे किले का इलाज रूम था, गाना बजाना ही होता था, हमने भी यहीं पे एंड करना था। माशाल्लाह रंगीन मिजाज लोग हैं हम लोग तो अच्छा इंटरेस्टिंग मज़ेदार किला था। देखा आपने 500 रुपये भी नहीं दिया, फिर भी मैंने सारा किला दिखा दिया, इतना बड़ा दिल है मेरा है? आगे चलते हैं अब। ऐसे कट मारे हैं कि कट्टो कट्टे हो गए। पर मसला पता है क्या है कि यहाँ ऊपर आए ना हम ईगल नेस्ट व्यू पॉइंट चेक करने आए थे, यहाँ पे भी हाइकिंग है। अब तो एंड पे जाते थे मैं भी बोलूंगी यार हाइकिंग, मैं हाइकिंग करना चाहती हूँ। अब मैं बदल गई हूँ, मैं हाइकिंग कर लूंगी, मजबूरी हमें। अब यहाँ से लें, यहाँ से आगे आगे आए और ये ऊपर जहाँ हमारे लड़के पहुँच गए हमें वहाँ तक जाना हाइकिंग करके। आई लव हाइकिंग समरा। तुम कब तक मुझे अपने साथ लेके जाओगी? जब तक मैं तुम्हारे साथ ना हर व्यू पॉइंट तुम्हें दिखाऊंगी और लेके तो जाऊंगी साथ। ये बंदी नहीं छोड़ेगी मुझे। और बहुत करीब है हम लोग, ये ईगल नेस्ट। मतलब अगर मैंने इतनी हाइकिंग कर ली है ना, इसका मतलब है कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन भी जीत सकती हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल। व्यू देखेंगे अब हम, एंजॉय करेंगे। थैंक्स टू यू समरा जो तुम मुझे घी सीट के ऊपर ले आती हो। हालांकि मैं बैठना चाहती होती हूँ। हाँ, लेकिन तुम जहाँ इतना आए, जहाँ इतना आया वहाँ 5-10 मिनट की हाइक। मैं कहती हूँ मैंने नहीं जाना, तो एक इंसान होता है अब नहीं जाना चाहती तो प्लीज ना जाए। एक होता है समरा, ओ मैं लेके जाऊंगी तुम्हें, ये हाथ पकड़ा दब 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 ऊपर, क्योंकि तुम मुझे हाइकिंग करवा के पतला जाओगी। मैं तो यूज़ करना चाहती हूँ। Like varies. I love the way you hate me. Chalo ab UK pictures. Driving just to feel young, moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for the first time, moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah, no. Okay, हम लोग ईगल नेस्ट पे बैठे और व्यू ये है हमारे पीछे। ये मतलब यहाँ बैठ के हम अपने सारे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स याद कर रहे हैं, कब कहाँ क्या गलती की थी, कब कहाँ क्या गलत होने वाला था, हुआ था। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत व्यू पॉइंट पता नहीं कहाँ मिलेगा, मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं पता कि ऐसा पत्थर कहाँ मिलेगा जिसमें हम सुकून से बैठेंगे और सामने व्यू पॉइंट होगा और
और ये और नेकेड आई से देखना ना, और कैमरा कोई भी कैमरा, या मेरे पास तो खैर वो कैमरे है ही नहीं अल्लाह के फजल से, लेकिन पता नहीं कैमरे इन चीजों से इंसाफ कर पाते हैं कि नहीं, नहीं कर पाते। बेहतरीन खूबसूरत प्यारा व्यू, इनके पास अच्छे कैमरे जब आए कर ही जाए इंसाफ, अच्छे कैमरे अल्लाह मुझे दे तो शायद मैं दोबारा हूँ तो इंसाफ हो जाए, लेकिन आप लोग उनसे आए तो ईगल नेस्ट जरूर आए। पीछे मेरे दोस्त में तंग कर रहे हैं। ओके जी, जुल्लो 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 एवरीवन, जुल्लो साथ जुल्लो जुल्सो जुल्सो। अब हम वापस जाएंगे और कुछ खाएंगे डेफिनेटली। ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, वी आर कूल पीपल, वी आर वेरी कूल, दे आर नॉट कूल एग्जैक्टली, इसलिए हम नीचे जाएंगे और कुछ खाएंगे। एज कूल एज आइस। ओके हम लोगों ने जाना था नीचे ईगल नेस्ट से हुंजा ताकि हम वहाँ स्टे करें, लेकिन ये इतना अच्छा व्यू पॉइंट है, इतने मजे कि हमें यहाँ पे दो रूम्स मिल गए हैं, कैंप्स मिल गए, दिखाओ। यहाँ हम कैंपिंग करेंगे, रात को बोनफायर करेंगे, इन रूम्स में हम स्टे करेंगे। आप भी अगर आएंगे ना इधर ईगल नेस्ट तो यहाँ पे एवरेज रूम रेट 3000 पर रूम दे देंगे, ईजी हो जाएगा। तो जितने भी लोग एक रूम में एडजस्ट होते हैं हो जाए, कैंप्स 500 पर हेड हैं, तो जो सस्ता पड़े, हम लोगों ने एक कैंप से लिया ताकि हमें तीन रूम ना लेने पड़े, तो तीन हमारे लड़के इसमें घुस जाएंगे। कन्वीनियंट ट्रैवलिंग। और अब हम जा रहे हैं वापस करीमाबाद क्योंकि हमें कुछ खाना है, तो लेट्स सी। बाय बाय। हम लोग स्पेशल हुंजा करीमाबाद बाजार है कि कैफे डी हुंजा से हमने वॉलनट केक खाना है, वो हमें नहीं मिला, हमारा दिल टूटा। और उसके बाद हमने एक ब्राउनी ऑर्डर की जो ना भी करते तो खैर थी, शायद हमें वॉलनट केक खाना चाहिए था। तो समरा बताएंगे ब्राउनी कैसी थी। जी लड़कियों ब्राउनी कैसी थी, जी लड़कों ब्राउनी कैसी थी। आई एम सॉरी लेकिन हमें वॉलनट केक खाने आए थे शायद इसलिए। ऐसे ना हम करीमाबाद बाजार आए थे घूमने के लिए क्योंकि कुछ खाना भी था, तो यहाँ मैंने एक शॉप देखी और मुझे याद आ गया कि मुझे आने से पहले किसी ने कहा था कि हुंजा जाके ना इनका एप्रिकॉट जैम जरूर खाना है, तो मैंने सोचा खाना क्या ले भी जाएंगे, अम्मी के लिए अभी मैंने लिया कोई नहीं है, अभी से मैंने इनसे निकलवाया। इनके पास एप्रिकॉट जैम है, इनके पास चेरी जैम है, इनके पास प्लम जैम है, और इस जैम की एक क्वालिटी है, इनकी एक फैमिली है हुंजा की जिसकी अपनी फैक्ट्री है, पहले हैंडमेड जैम होते थे अब इनकी फैक्ट्री बना ली है, जाहिर है ग्रोथ, तो इसलिए ये जैम इनके अपने फ्रूट से बनता है और ये बहुत फ्रेश और बहुत मजे का होता है। इसके अलावा आपका नाम क्या भाई, करीमुद्दीन ने हमें एक चॉकलेट हुंजा की कुछ चॉकलेट सी खिलाई, दिखाएंगे चॉकलेट में वो इस तरह है, ये देख रहे हैं ये, ओह इस ये कौन सा जूस था, ग्रेप जूस, ग्रेप जूस एंड वॉलनट में ना ये इनकी एक चॉकलेट बनती है, ये ऐसे हेल्दी नहीं है सारे, मतलब हेल्दी मतलब फ्रेश, क्योंकि इनकी तो चॉकलेट इतनी हेल्दी है, हमें देखिए हम चीनी से बनी हुई चॉकलेट है, चबा चबा खाते हैं। और भाई ने हमें टेस्ट भी कराया है, टेस्ट भी कराया है। ये कितने का पैक है, ये 300 का पैक है और ये 220 का जैम है। तो जब आप हुंजा आएंगे तो आप प्लीज ये वापस भी जरूर लेके जाएंगे, मैं भी ले जा रही हूँ, ये बहुत मजे की, इसको ट्राई कर लीजिएगा। और अभी हमें रोटी की जगह नहीं मिली तो पहले हम रोटी खाएंगे उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे। हमने खाना है, हमने वो क्या खाना है, आपकी कौन सी रोटी है, शब शुरू, शब शुरू इनकी रोटी है हुंजा की ट्रेडिशनल, अभी हम वो खाने जा रहे हैं। आ जाए